लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए 25 जनवरी 2024 को जनता से सुझाव मांगे थे। पार्टी को 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो 14 तारीख को बीजेपी ला सकती है, और बीजेपी ने इस पूरे घोषणा पत्र में ज्ञान का जो समीकरण है उसको इसमें अप्लाई किया। आखिर ज्ञान है क्या? ज्ञान है यानी गरीब, अन्नदाता यानी किसान, युवा और नारी यानी महिला। हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना रहा है कि वो किसी जाति और धर्म पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि वो गरीब, किसान, युवा और जो महिलाएं हैं उनको ध्यान में रखकर जो है वो नीतियां बनाते हैं। तो इसी के वजह से इस बीजेपी के घोषणा पत्र में आप देखेंगे कि ज्ञान फॉर्मूले का खास ध्यान रखा गया है, यानी गरीब, गरीबों के कल्याण के लिए तमाम सारी नई योजनाओं का जो वादा है जिसको संकल्प पत्र बीजेपी कहती है, इस संकल्प पत्र में गरीबों के लिए हो सकता है कि अनाज के साथ में उन्हें कुछ और आर्थिक मदद देने की घोषणा की जाए। जहां तक किसानों की बात है तो किसानों की जो सम्मान निधि है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, इस संकल्प पत्र में उसकी भी घोषणा हो सकती है। साथ में जो नारी है यानी जो महिलाएं हैं उनको जो है वो 21 साल तक कुछ आर्थिक मदद देने की घोषणा कर सकती है। इस संकल्प पत्र की खास बात यह है कि बाकायदा राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो बीजेपी के संकल्प पत्र की कमेटी है वो 27 सदस्य कमेटी गठित हुई थी, और 10 लाख से ज्यादा जो सुझाव हैं वो मिल चुके हैं बीजेपी को। उसमें नमो ऐप के जरिए सुझाव आए हैं, कुछ वीडियो मैसेजेस के जरिए आए हैं, और कुछ जो है वो तमाम सारी जगहों पर जो बॉक्स है सुझाव उनको भी रखा गया था। तो इसके चलते तकरीबन 10 लाख से ज्यादा जो बीजेपी ने सुझाव मांगे थे और उनको 10 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं। तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047 तक कैसे बनाया जाए, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो इस संकल्प पत्र में लाया जा सकता है। नोएडा से से लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव देखने के लिए दुनिया भर के 25 राजनीतिक दलों को न्योता दिया है। इसका मकसद विदेशी पार्टियों को भारत के चुनाव की प्रक्रिया और बीजेपी की कैंपेन स्ट्रेटजी समझाना है। 15 पार्टियों ने न्योता स्वीकार कर लिया है। इनमें से नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस, श्रीलंका और कई अफ्रीकी देश भी शामिल हैं।